और राष्ट्र में विजेते में बात करते हैं जल प्रलय की। कई राज्यों में बाढ़ बारिश ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैलाब हर तरफ सितम ढा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं मिनटों में बिल्डिंग गिर जा रही है तो कहीं सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है और आसमानी आफत के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से किस तरह से जल प्रलय की तस्वीरें सामने आई। आसमानी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक जल प्रहार। आसमान से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा तक सैलाब सितम ढा रहा है। लोगों के आशियाने डूबे हुए हैं, सड़कों का नामो निशान नहीं है, खेत खलिहान सब जलमग्न हैं। कुदरत के इस रौद्र रूप के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है और जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। महाराष्ट्र में जल प्रलय। जल प्रलय की ये तस्वीर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से दो दिन की भारी बारिश ने गढ़चिरौली की सूरत बिगाड़ कर रख दी। यहां से बहने वाली परलकोटा नदी का पानी भामरागढ़ समेत आसपास के कई गांवों में घुस गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़क, दुकान, मकान सब पानी में डूब चुके हैं और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। चंद सेकंड में बिल्डिंग धड़ाम। दिल दहला देने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के भंडारा का है, जहां वैसे तो मॉनसून की शुरुआत से ही कोहराम मचा हुआ है, लेकिन दोबारा से बारिश ने जो रफ्तार पकड़ी है उससे लोगों का जीना दुभर हो गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे आफत की बारिश की वजह से पुरानी बिल्डिंग चंद सेकंड्स में भरभरा कर गिर गई। वो तो वक्त रहते बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग बाहर आ गए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया।